नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं फलाहारी सब्जी बना रही हूँ, आलू टमाटर की। व्रत में यही सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, टेस्टी भी बहुत होती है। चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें कैसे बना रही हूँ। इसके लिए हमने आधा किलो आलू उबाल के और छील करके रख लिए हैं। इसके लिए हमने सेंधा नमक लिया, स्वाद अनुसार डाल देंगे, वैसे तो एक चम्मच लिया है। एक हरी मिर्च कटी हुई, छौंकने के लिए जीरा है, आधा इंच अदरक कसी हुई, 3 चम्मच धनिया कटी हुई और 1 बड़ा टमाटर। टमाटर डालने से व्रत की सब्जी और अच्छी बन जाती है और सब्जी बनाने के लिए ये रिफाइंड आयल। आप चाहें तो इसके साथ में देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया, अब मैंने इसमें तेल डाल दिया। इसके साथ ही मैं आलूओं को तोड़ लिया, टमाटर मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिए। व्रत की सब्जी में टूटे हुए आलू बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च, नमक आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चौथे टमाटर, हमारा टमाटर और अन्य मसाले भून रहे हैं धीमी आंच में। देखिए, हमारे मसाला भून चुका है, टमाटर भी भून चुके हैं। इसको ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है, 1-2 मिनट भून करके मैं इसमें आलू डाल दूँगी। मसाले, आलू, टमाटर सब एक साथ मिल गए। अब थोड़ी देर चला करके उबाले आलू की सब्जी बनाने में उसका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैं थोड़ा पानी और डाल दूंगी। देखिए, अब इसका पानी ठीक है। अब हम इसमें 1 सीटी लगा देंगे, क्योंकि उबाले आलू की सब्जी बना कर रखने से आलू कड़े हो जाते हैं। यदि हम उनको कुकर में बनाएं 1 या 2 सीटी दे करके तो बहुत अच्छे बनते हैं वो। अब हमारा कुकर हमने चढ़ा दिया है, अब 1 या 2 सीटी दे दूंगी तब मेरे आलू बन जाएंगे। देखिए, 1-1.5 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और अब मैं कुकर खोल रही हूँ, इसकी गैस भी निकल गई है। अब मैं कुकर खोल रही हूँ। देखिए, धनिया का शो कितना अच्छा आ रहा है, इसका रसा भी ठीक है। थोड़ी देर और ठंडा रखेंगे तो थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा। सब्जी देखिए, बनाइए, खाइए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।